दोस्तों, इंसान हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने की कोशिश में रहता है। इसी का तो नतीजा आज हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है और आज हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड में कहीं दूर तक जा चुके हैं। दोस्तों, 1970 के दशक में हमारे पास सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में जानकारी बहुत ही कम थी और सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की दुनिया हमारे लिए रहस्य बनी हुई थी। इन रहस्यों को जानने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर रवाना किए, जिनका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि आज ये अंतरिक्ष यान कहाँ पर है। क्या ये अंतरिक्ष यान आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास डाटा भेज रहे हैं? और दोस्तों, वॉयेजर 1 ने आज तक वैज्ञानिकों को कौन कौन सी तस्वीरें भेजी है? तो चलिए आज आपको रियल फुटेज के साथ वॉयेजर 1 की यात्रा के साथ ले चलते हैं। इससे पहले हम वॉयेजर 1 पर एक डिटेल में वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल आपको वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर केवल रियल फुटेज ही दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि यह अंतरिक्ष यान आज किस हालात में है। तो चलिए फिर आज के इंटरेस्टिंग सफर पर निकल पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉयेजर अंतरिक्ष यान की जर्नी 1977 में शुरू होती है। इसका मकसद था सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट जुपिटर और शनि, साथ ही इनके चंद्रमा और वलयों की स्टडी करना था। इन सब उद्देश्यों को लेकर यह अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा था। जब यह पृथ्वी से काफी दूर जा चुका था, तब वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से करीब 11.66 मिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी और चंद्रमा की पहली बार एक ही फ्रेम में फोटो कैप्चर की। ये फोटो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसके बाद ये जुपिटर की तरफ चल पड़ा। करीब 5 मार्च 1979 को यह अंतरिक्ष यान जुपिटर के काफी करीब पहुंच चुका था। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान द्वारा जुपिटर की टाइम लैप्स फुटेज है। इसके बाद जुपिटर के पास से गुजरते हुए इस अंतरिक्ष यान ने जुपिटर की कई सारी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया, जिसमें आप जुपिटर का रेड स्पॉट भी देख सकते हैं। इस यान ने जुपिटर के पास से गुजरते हुए करीब 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। इसके बाद इसने जुपिटर के चंद्रमा कैलिस्टो की तस्वीर कैप्चर की। फिर जुपिटर के मून आयो के ऊपर वॉल्केनो एक्टिविटी को भी कैमरे में कैद किया, जो अभी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान अपनी अगली मंजिल शनि ग्रह की ओर चल पड़ा था। लंबी यात्रा के बाद करीब 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 शनि ग्रह के काफी नजदीक जा पहुंचा। जब वॉयेजर शनि ग्रह से थोड़ा दूर था, तब इसने शनि ग्रह की इस खूबसूरत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। वॉयेजर द्वारा कैप्चर इस तस्वीर में आप शनि ग्रह के रिंग के साथ उसके 2 चंद्रमा टैथिस और डायनो को भी देख सकते हैं। इन दोनों चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरों को भी वॉयेजर ने कैप्चर किया। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये शनि ग्रह के रिंग की तस्वीर है। इसके बाद इसने शनि ग्रह के चंद्रमा इंसेलाडस को भी अपने कैमरे में कैद किया। फिर वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने अपना कैमरा शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन की तरफ घुमाया और अपने कैमरे में उसे कैद किया, जो अभी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। इसने टाइटन की काफी क्लोजअप तस्वीर को कैप्चर किया था। उसमें ऑरेंज कलर के घने वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से कई सालों तक इस मून के सरफेस के बारे में कई अटकलें लगाई गई। इसके बाद इस अंतरिक्ष यान का बाहरी ग्रह एक्सप्लोरेशन का अभियान पूरा हो चुका था। सैटर्न प्लैनेट को फ्लाईबाई करने के बाद वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हासिल कर लिया था कि वह सौरमंडल से बाहर जा सके। इसके बाद यह मुसाफिर चल पड़ा था इस सुदूर अंतरिक्ष की गहराई में। इस मुसाफिर को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या है। इस अंतरिक्ष यान ने जाते वक्त अपने कैमरे को अंतिम बार पृथ्वी की तरफ घुमाया था और एक पृथ्वी की तस्वीर कैप्चर की। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर यह ब्लू डॉट देख रहे हैं, यह हमारा घर पृथ्वी है। इस डॉट के अंदर हम लोग रहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में हमारी क्या हैसियत है।
दोस्तों इस तस्वीर को 14 फरवरी 1990 को वॉयजर 1 अंतरिक्षयान द्वारा पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से कैप्चर किया गया था। इस तस्वीर को कैप्चर करने के बाद वॉयजर अंतरिक्षयान के कैमरों को बंद कर दिया गया। इसके बाद ये अंतरिक्षयान अपने आगे की यात्रा की ओर निकल पड़ा। करीब अरबों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 22 अगस्त 2012 को 18.4 बिलियन किलोमीटर यानी कि 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से वॉयजर 1 ने आखिरकार हीलियोपोज को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। अब दोस्तों ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फीयर और इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी ISM कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम पड़ जाता है और दोस्तों यहाँ पर इस अंतरिक्ष यान ने एक इतिहास रच डाला। ये मानव इतिहास की पहली वस्तु बन गया जिसने 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौरमंडल से बाहर की ओर कदम रखा। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का स्टार प्रोक्सीमा सेंचुरी है। यह हमारी पृथ्वी से 4.36 प्रकाश वर्ष दूर है और मान लो वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान को प्रोक्सीमा सेंचुरी स्टार तक जाना है तो उसे आज की स्पीड से जाने में करीब 73,000 साल लग जाएंगे। वर्तमान में वॉयजर अंतरिक्ष यान हमसे 148.97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर यात्रा कर रहा है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह हमसे 13,84,84,00,000 किलोमीटर दूरी पर है। वॉयजर हमसे कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए 3.7 मीटर लंबे उच्च लाभ वाले एंटीना के साथ संचार करता है। करीब 22.4 वाट का यह सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में 18 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है, लेकिन पृथ्वी तक आते आते उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी वीक हो जाती है कि वैज्ञानिकों के द्वारा उसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। आज वॉयजर यानों से आने वाले संदेश डिटेक्ट करने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ ठीक वैसी ही है जैसे हम किसी सिटी से बाहर आ जाते हैं तो हमको मोबाइल का सिग्नल प्राप्त करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयजर से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस कमजोर सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए वैज्ञानिक वॉयजर से संपर्क बनाए रखते हैं। वॉयजर के पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा चुके हैं। इस अंतरिक्ष यान के कैमरे काफी पहले ही बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में घोर अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ ही वॉयजर अंतरिक्ष यान के कम जरूरी सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है। वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान के केवल 4 ही उपकरण ऑन हैं, जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डाटा इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर भेजने में किया जाता है। साथ ही वॉयजर 1 और हमारे बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वॉयजर अंतरिक्ष यान की बैटरी काफी कमजोर पड़ चुकी है जो 2025 तक पावर सप्लाई करना बंद कर देगी, जिस कारण इसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे और इसमें लगे उपकरण के बंद होते ही वॉयजर का संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद भी यह मुसाफिर इस रहस्यमय ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। उसके बाद न तो हम इससे संपर्क कर पाएंगे और ना ही वॉयजर हमसे कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएगा। इसके बाद यह मुसाफिर इस विशाल ब्रह्मांड में खो जाएगा। जब तक कोई भी बाहरी वस्तु वॉयजर के रास्ते में नहीं आती है तब तक यह अंतरिक्ष यान यात्रा करता रहेगा। इसके साथ ही वॉयजर के अंदर एक ग्रामोफोन मौजूद है जिसके अंदर पृथ्वी की कई सारी आवाजें, चित्र वगैरह मौजूद है। अगर आने वाले टाइम में वॉयजर किसी एलियन सभ्यता के हाथ लगता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में मानव सभ्यता भी निवास करती है। वॉयजर का गोल्डन रिकॉर्ड इतना कॉम्प्लेक्ट बनाया गया है
इसका डेटा 1 बिलियन साल बाद भी निकाला जा सकता है। आज वॉयजर एक मिशन नहीं बल्कि मानव सभ्यता का एक संदेश बन गया है। अब दोस्तों, आपका वॉयजर अंतरिक्ष यान के योगदान पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।